नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करियर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एशियन पेंट की डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप एशियन पेंट की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, यानी आप एशियन पेंट की एजेंसी कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए, यानी कंपनी द्वारा कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट की जाती है। और दोस्तों साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर कंपनी द्वारा प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन पेंट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों एशियन पेंट कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है जो इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। दोस्तों यह कंपनी बर्जर इंटरनेशनल की होल्डिंग कंपनी है और रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो यह एशिया की तीसरी और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों आपको बता दें यह कंपनी अपनी सभी सब्सिडरीज कंपनी के साथ आज लगभग 17 देशों के अंदर बिजनेस कर रही है। और दोस्तों यदि इंडियन पेंट मार्केट की बात करें तो सन 2015 के अंदर इस कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 54.1% थी। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितने बड़े लेवल पर बिजनेस कर रही है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर इस कंपनी के बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर है जो कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अपने नेटवर्क बढ़ा रही है और अपने नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रही है। और दोस्तों कंपनी अपने नेटवर्क के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ा रही है जिससे वह आसानी से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि कोई पेंट का बिजनेस करना चाहता है तो एशियन पेंट की डीलरशिप ले सकता है और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है, वो भी एक अच्छी सी कंपनी के साथ। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार। और दोस्तों इसके साथ आपके पास सभी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी दोस्तों आप डीलरशिप लेकर अच्छा सा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकेंगे और अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप अपनी खुद की जमीन के अंदर कंपनी की शॉप एस्टैब्लिश करते हैं यानी एजेंसी ओपन करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप किराए पर लेते हैं जमीन या फिर खरीदते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों बात बिजनेस की करें तो दोस्तों यदि आप बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं कंपनी की एजेंसी एस्टैब्लिश करके बड़ी सारी, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और जगह जगह रिटेलर को माल सप्लाई करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी को सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद अपनी शॉप या शोरूम एस्टैब्लिश करना है और कुछ वर्कर हायर करने हैं, और वर्कर हायर करने के बाद दोस्तों आपको अपनी शॉप के अंदर सभी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी है। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यदि आप कंपनी को लगभग 5 से 7 लाख रुपए के बीच सिक्योरिटी फीस देते हैं और उसके बाद अपनी शॉप एस्टैब्लिश करते हैं और अपने वर्कर हायर करते हैं तो दोस्तों सभी चीजों को मिलाकर यदि आपके पास 20 से 25 लाख रुपए है तो आप आसानी से एशियन पेंट की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है यानी आपके पास 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, यानी आप रिटेलर को माल सप्लाई कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जमीन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी आपकी एजेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी जमीन कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि दोस्तों यदि आप कंपनी की बड़ी एजेंसी ओपन करते हैं, बड़ा शोरूम एस्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर कंपनी के सभी प्रोडक्ट रखते हैं तो आपको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप कंपनी के थोड़े प्रोडक्ट रखते हैं और छोटी एजेंसी ओपन करते हैं तो आपको कम जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एक अच्छा सा गोडाउन बनाना है जिसके अंदर आप अपना स्टॉक रखेंगे। दोस्तों इन दोनों चीजों के लिए आपको अलग अलग जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कम से कम 200 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर अपनी शॉप एस्टैब्लिश करेंगे और 500 से 700 स्क्वायर फीट के अंदर अपना गोडाउन एस्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों दोनों चीजों को मिलाकर यदि आपके पास 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप आसानी से एशियन पेंट की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करती है यदि आप कंपनी की डीलरशिप लेते हैं।
दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है और आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी शॉप का जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जीएसटी नंबर के बिना ना तो कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना ही कोई शॉप चला सकते हैं। इसलिए आपके पास अपनी एजेंसी या शॉप का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, तभी कंपनी अपनी डीलरशिप देगी और आप कंपनी की एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आप एशियन पेंट की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। आपको दोस्तों कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन वहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी की हमने ऑफिशियल वेबसाइट चेक की थी, वहां पर कोई भी डीलरशिप के लिए फॉर्म नहीं मिला और ना ही कोई ऑप्शन था कि आप वहां से फॉर्म सबमिट कर सके। तो आपको कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और दोस्तों जब आप कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपसे कुछ आपकी डिटेल पूछी जाएगी, जैसे आपका नेम, आपका आपकी ईमेल आईडी, आपका पिन कोड, ऐसे दोस्तों कुछ डिटेल पूछी जाएगी। आप वहां डिटेल बता देना और आप वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप इनके सेल्स डिपार्टमेंट से डीलरशिप के बारे में भी सभी जानकारी ले सकते हैं, वहां से दोस्तों आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आपको कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें और सभी जानकारी लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी द्वारा प्रॉफिट मार्जिन कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कंपनी द्वारा सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है पेंट के साथ और दोस्तों कंपनी के पेंट के अंदर भी बहुत सी वैरायटी है, बहुत सी अलग अलग प्रकार की कंपनी पेंट बनाती है। तो दोस्तों सभी प्रकार के प्रोडक्ट के अंदर कंपनी द्वारा अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, तो आपको कंपनी से पता चलेगा कि कंपनी किस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट मार्जिन देती है। इसीलिए दोस्तों आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप एशियन पेंट की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दी है। दोस्तों आप वेबसाइट से एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉफिट के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, हमने वहां सब कुछ विस्तार से बताया है। इसलिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके सभी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और दोस्तों यदि आप किसी भी दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइजी या किसी बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उस बिजनेस या फ्रेंचाइजी का नाम डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।